Hello everyone and hello my beautiful girls. Assalamu alaikum. I'm Zinu Lai Khan and welcome back to my channel. आज मैं बनाने वाली हूँ एक यम्मी सी पाव भाजी. अगर आपको मेरी ये पाव भाजी की रेसिपी अच्छी लगे तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके. वीडियो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. पाव भाजी बनाने के लिए हम पाव भाजी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं. मैंने यहाँ पोटैटोज लिए हैं. एक मैशर की हेल्प से सारे पोटैटोज को मैश करना है. पोटैटोज मैश हो चुके हैं. मैंने यहाँ पर मटर लिए हैं. ये फ्रोजन मटर है. मैंने इन्हें पहले बॉईल कर लिया था. अब मैं इसे एक मैशर की हेल्प से मैश कर रही हूँ. सारी मटर मैश हो गई है अच्छे से. चॉप्ड कैप्सिकम, चॉप्ड टोमेटोज, चॉप्ड अनियन, चिली, जिंजर, गार्लिक, कोरिएंडर लीव्स. आप चाहें तो और भी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं. हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, धनिया पाउडर. मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन और हरी मिर्ची ली है. इन सबको, इन दोनों को ग्राइंड कर लिया है. आप देख सकते हैं इसकी ऐसे ही फाइन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जैसी हमें चाहिए है. गैस ऑन कर देते हैं. अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालती हूँ. आप चाहें तो इसमें बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है. ऑयल को गर्म होने देते हैं. मैं इसमें चॉप्ड अनियन डाल रही हूँ. अनियन को हमें जब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए. आप देख सकते हैं अभी भी अनियन ने कलर चेंज नहीं किया है. अभी हमें इसे और फ्राई करना है. अनियन का कलर चेंज हो गया है. अब मैं इसमें चॉप्ड किए हुए टोमेटोज ऐड कर देती हूँ और इसे भी अनियन के साथ फ्राई होने देती हूँ. अच्छे से मिक्स करना है दोनों को. चॉप्ड कैप्सिकम को ऐड कर देती हूँ. अच्छे से तीनों चीजों को मिक्स कर लीजिए. इन्हें हमें अच्छी तरह से चलाते रहना है ताकि कोई भी सब्जी तली में चिपक ना पाए. जो हमने इसमें पेस्ट तैयार किया था अदरक लहसुन हरी मिर्च का, उस पेस्ट को हम इसमें ऐड कर देते हैं और सबको मिक्स कर देते हैं. अब हमने जो मैश की हुई मटर ली थी अब उनको भी इसमें हम मिक्स कर देते हैं. सारे मसाले को मिक्स करते हैं. लाल मिर्ची पाउडर डाल देती हूँ मैं. धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर,
और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप भाजी में नमक को बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करना है। हमें इसे लगातार चलाते रहना है ताकि हमारी सब्जियां तली में चिपक ना पाए। अब मैं इसमें थोड़ा सा बटर ऐड कर देती हूँ। अब मैं इसमें मैश किए हुए पोटैटोस को डाल देती हूँ। पोटैटोस को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और एक मैशर की हेल्प से सबको मैश कर देना है। मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। मुझे भाजी गाढ़ी लग रही थी इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। इसे हमें चलाना है। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ रहा है। हमने गैस को सिम कर दिया है। मैं इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था इसलिए मैंने भाजी में नमक इसमें और ऐड कर दिया है। नमक को अपनी भाजी के साथ मिक्स कर देना है। अब मैं इसमें पाव भाजी मसाला, एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ। पाव भाजी मसाला डालना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारी भाजी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है इस मसाले को डालने के बाद। 2.5 टीस्पून मैंने इसमें पाव भाजी मसाला डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ अपनी भाजी के साथ। मिक्स कर लीजिए। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ। मेरी पाव भाजी बनकर तैयार हो गई है। इसे मिक्स कर दीजिए धनिया को भी भाजी में। अब मैं इसे एक प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। बारीक कटी हुई प्याज, हरा धनिया, बटर, इस पाव भाजी की रेसिपी को आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।